हमारे ज़हनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इख्तदार से है। ये मेयारात है। जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जो जितना मशहूर उतना कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। यही है असल में सारी बिस की गांठ। जो तस्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भाग दौड़ होगी, उसी के लिए जिद्दोजहद होगी, उसी के लिए तवानाइयां सर्फ होंगी, उसी के लिए दिन रात की मुशक्कत होगी। ये है असल शय जिसकी यहां नफी हो रही है। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इख्तदार और ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमल सालेह से, तवासी बिल हक से, तवासी बिल सब्र से। आप गौर कीजिए इस नुक्ते नजर का, इस एटीट्यूड का, ये जो मेंटल एटीट्यूड है इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इंकलाब बर्पा करेगा। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नबूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है, कामयाबी इंसान दौलत में कानून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इख्तदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़फ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोंपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार ना हो, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। ये है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से, वो बड़ा महल है देखकर एक दफा झुरझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई, एक दफा आसाब के अंदर इश्तियाश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो। अगर जहनों में ये बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारह आप देखिए उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, ये है लोग कामयाब होने वाले। आज ही आपने नमाज में वो आयात सुनी या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किन चीजों से है, यह है सबसे बड़ा सबक। यह हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए, ठुक जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी, सुबह शाम बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, भाग दौड़ का रंग बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज वो एक चीज निहायत अहम नजर आ रही है, कल निहायत गैर अहम नजर आएगी। जैसे कि हुजूर की हदीस है माली वलिद दुनिया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है। इन्नमा मसली का राकिब इस्तदल्ला तहत शजरत सुमराहा फतरा, कहा मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साये में ठहरता है सस्ताने के लिए, फिर वो अपना रास्ता लेता है, उसे उस दरख्त से मुस्तकिल ताल्लुक उसका नहीं है, वो उसका घर नहीं, वो उसकी मंजिल नहीं। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है। अब देखिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो मुसाफिर हैं, हम अल्लाह के पास से आए, अल्लाह की तरफ हमें लौट जाना है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबन व आबिरु सबीली, हुजूर फरमाते हैं
दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो या राह चलते मुसाफिर हो। लेकिन यह तर्ज अमल कब होगा? जबकि ये आयत हमारे जहनों के अंदर बैठ गई हो। वलास इन इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। यह है असल बात जो मैंने अर्ज किया था कि मैं बताऊंगा सहाबा क्यों एक दूसरे को याद दिलाते थे। इसलिए कि देखिए, जैसे बर्फबारी अगर हो रही हो, आप बाहर निकलेंगे तो बर्फ आपके कपड़ों पर जम जाती है ना, तो आप झटकते हैं कपड़ों को ताकि बर्फ हट जाए। हमारे ईमान पर इस दुनिया में रहते हुए जब हम मुतासिर होते हैं माहौल से तो गर्दा आ जाता है, बर्फ पड़ जाती है, उसको झटकते रहने की जरूरत है। और वो झटकने की बेहतरीन और मौसर तरीन शक्ल यही है कि याद रखो कामयाबी इन चीजों से नहीं है। चमक दमक जो है दुनिया की, ये सारी चमक दमक जो तुम्हें रिझा रही है, जो तुम्हें अपने अंदर गुम किए हुए, ये लफ्ज गुम पर इकबाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तुम गुम ना होकर रह जाओ इसमें, मबहूत ना होकर रह जाओ, मरूब ना होकर रह जाओ, दुनिया ही की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर डेरे ना डाल दे, तुम्हारे दिलों के ऊपर मुसल्लत ना हो जाए। लिहाजा ताजा करते रहा करो। वलास इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीन आमनु वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। फिर याद कर लो, फिर ताजा कर लो अपने इस यकीन को कि कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी सर्वत से नहीं, कामयाबी इख्तदार से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी जायदाद से नहीं, कामयाबी है ईमान से, कामयाबी है अमल सालेह से, कामयाबी है तवासी बिलहक से, कामयाबी है तवासी बिस्सब्र से। ये चार चीजें हैं कि जो कामयाबी के लवाजम।